जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं नागपुर शहर से आई कुछ खास खबर। रेशम बाग रोड पर जैन कला समाज मध्यवर्ती मंडल केंद्रीय एवं जिला समिति की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था और इसमें 150 से 200 लोगों ने रक्तदान किया और जैन कला समाज आलवा अन्य समाज के लोगों ने रक्तदान किया। कुछ दिनों पहले वर्तमान पत्रों में एक वार्ता प्रसारित हुई थी कि शासकीय अस्पतालों में ब्लड बहुत कम है, जिसकी हमें बहुत आवश्यकता है। और शासकीय अस्पतालों में ब्लड नहीं होने के कारण जैन कला समाज के माध्यम से हमने ये इनिशिएटिव लेकर एक स्टेप आगे आकर सभी नागरिकों को आह्वान कर आज के दिन यहाँ जैन कला समाज भवन रेशिमबाग में आमंत्रित किया कि आप आए और इस महाश्रेष्ठ दान में आप अपना सहभाग रक्त देकर रक्तदान कर यहाँ कराए। और इस सहभाग में हमें केंद्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, साथ ही साथ हमारे सचिव श्री कार्तिक जी शिंदे और सभी पदाधिकारीगण तथा समाज के नागरिक, साथ ही साथ समाज के अलावा भी यहाँ अनेक नागरिक और मान्यवर आज यहाँ उपस्थित रह चुके हैं। मैं बताना चाहूँगा प्रमुखता से श्री नरेंद्र सतीजा जी, जिन्होंने 143 बार रक्तदान किया, वो भी आज यहाँ पधार चुके हैं। मालोकर जी आ चुके हैं और अनेक मान्यवर भी यहाँ पधार चुके हैं। आप देख सकते हैं नागरिकों में भारी उत्साह है और अब तक इस समय तक हमारे साथ 70 यूनिट्स का रक्तदान हो चुका है। आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहूंगा कि आप भी थोड़ा समय निकालकर आज इस रक्तदान में सहभाग जरूर लेवे और आए और रक्तदान करें। धन्यवाद। हेलो नमस्ते, मैं कार्तिक शिंदे, सचिव जैन कलर समाज मध्यवर्ती मंडल। हम लोगों ने आज जैन कलर समाज मध्यवर्ती मंडल ने जो रक्तदान का यहाँ पर शिविर आयोजित किया है, उसमें काफ़ी मात्रा में समाज के लोगों ने और समाज के अलावा बाहर के लोगों ने भी इसमें काफ़ी अच्छा उत्स्फूर्त प्रतिसाद हमको दिया है। अभी 11 बजे है, 11 बजे तक यहाँ पर मेरे लगभग 65 लोगों ने अभी तक रक्तदान कर चुके हैं और काफ़ी लोग अभी तादाद में भी है। सबसे पहली बात तो न्यूज़पेपर में आए दिन ये बात अभी पब्लिश हो रही है कि रक्त का साठा कम होते जा रहा है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कल जैन कलार समाज ने यह कदम उठाया कि क्यों ना शिविर का आयोजन किया जाए। तो ये आयोजन की बात भी हमने हर जगह प्रसारित की तो उसका हमें प्रतिसाद भी बहुत अच्छा मिल गया, तो लोग खुशी से यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं। ये हर व्यक्ति की, हर समाज के व्यक्ति की उत्तरदायित्व है। ये कार्यक्रम देश हित के लिए है, समाज हित के लिए है, राष्ट्र हित के लिए। थैंक यू। नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं कि नागपुर ये मेडिकल हब है और यहाँ पर आसपास के सभी इलाके से रोगी यहाँ आते अपना इलाज करवाने। अभी आपने देखा होगा कि जो भी शासकीय अस्पताल जो यहाँ पर है उसमें जो ब्लड का जो एक क्वांटिटी था वो कम हो रहा है, तो जैन कलार समाज ने इस बात पर गौर करके सामाजिक स्तर पर हम लोगों ने एक भव्य रक्तदान शिविर का यहाँ आयोजन किया है। इस माध्यम से कम 200 लोगों को हम रक्तदान करने के हम लोग इच्छुक थे और हमने संकल्प किया था कि मेडिकल कॉलेज में 200 बैग्स हम इस बार ज़रूर देंगे। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे समाज के ही नहीं और भी समाज के सभी लोग सम्मिलित होकर यह भव्य स्वरूप से रक्तदान कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे समाज की महिलाएं भी यहाँ बहुत अग्रेसर हैं कि रक्तदान कर रही हैं और हम लोगों का जो संकल्प है हम जरूर पूरा करेंगे, इतना आश्वस्त करता हूँ। मैं जिला समिति के अध्यक्ष श्रीकांत शिवनकर, जिन लोगों ने यहाँ रक्तदान किया है आज के मौके पर, उनका आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शेखर आदमणे, जैन कलार समाज मध्यवर्ती मंडल अध्यक्ष। जब हमने पढ़ा कि वर्तमान पत्र के अंदर में शासकीय रुग्णालय में बहुत सारी खून की कमी हो चुकी है, तब हमारे मंडल ने यहाँ पे एक विशेष मीटिंग लेके ये ठहराया है कि हम जैन कलार समाज की ओर से रक्तदान शिविर लेते हैं। और हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे जो संचालकगण है, इन्होंने अथक प्रयत्न करके आज का यह शिविर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है और अभी तक 75 लोग हो चुके हैं और हमारा संकल्प है कि कम से कम 200 यूनिट यहाँ से मेडिकल को मिले, ताकि ये रक्तदान करते हुए किसी की जान बच गई तो उसकी दुआएं सब लोगों को मिलेंगी। भाई इस कार्यक्रम सक्सेस जो किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम को जिन्होंने सफल बनाया, और दूसरी बात ये चीज़ें है कि यहाँ कलार समाज ने तो लिया ही है ये प्रोग्राम, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर कई मुस्लिम बांधव और कई अन्य समाज के लोगों ने भी आके यहाँ पे रक्तदान किया, उनका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। और मेरे शब्दों को समाप्त।
जैन कलार समाज के अध्यक्ष शेखर आदमने और जिला समिति के अध्यक्ष श्रीकांत शिवनकर, इनके नेतृत्व में इनकी पूरी टीम ने इतना बेहतरीन ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजन किया, सफलतापूर्वक आयोजन किया। इसके लिए ये सब बधाई के पात्र है। मैं चाहूँगा इनके हाथ से समाज में ऐसे ही कार्यक्रम नियमित आयोजित होते रहे। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। अब आप हमारे न्यूज़ चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों, ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ TV पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।